अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल, तां दी सोपिया कुकिंग शो। उम्मीद है सब खैरियत से होंदा। मज़ेदार रेसिपी सियारे के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से, हमेशा ताजी फरमाइशों के मद्देनजर रखंदे काफ़ी सारा तक खाधा ठाण सिखारियाँ। जैसे असं मज़ेदार खाधा ठाईंदा तो उनमें एक शे विझंदा आहियूं, चिकन पाउडर, जो होंद मसाको चिकन पाउडर। तमाम बेहतरीन पैकिंग में दस्तियाब है। जी कीमत है 15-20 रुपये के दरमियान, मुझे हमें 15 रुपये जो मिले पे साशे, जिते असा ब चिकन क्यूब इस्तेमाल करता है, उन्हीं क्वांटिटी में ही चिकन पाउडर जो साशे है। हे मुझे हथ में तक नज़र अच्छे पे पूरा दबो है, ठीक है, बॉक्स है, अंदर होंगे 24 पीस। हे ऐसो तमाम बेहतरीन पैकिंग में है। कें भी किस्म की दाल ठा पाया, कें भी किस्म की भाजी ठा पाया, कें भी किस्म जो सूप्स ठा पाया, चावर ठा पाया, पुलाव ठा पाया, या ब्रोस ठा पाया, हर शे में इस्तेमाल कर सोता। सिर्फ इन शे जो ख्याल रखो, इनमें लूण हों, उते जो लूण जो इस्तेमाल ना थींदो। अगर चावर ठा पे अध किलो जी क्वांटिटी में, तो ब पैकेट विझो, वो लूण ना विझंदो। अगर एक पैकेट विझंदो तो उनमें एक चाय जो लूण एक्स्ट्रा विझणो है, ठीक है। अज भी असं इस्तेमाल कंदासी जो कि रेसिपी छा पेट अज ठा पे, चिकन ब्रोस। चिकन ब्रोस की फरमाइश हुई, अं सीज़न है ब्रोस खाने जो, सियारे में मूँ इन टाइप की रेसिपीज ठाईंदा है। चिकन ब्रोस, फ्रेंच फ्राइज अक्सर मूँ जो चवन नरम थी वेंदा, वो सख्त क्या ठहंदा जो मार्केट में मिलंदा, उन्हीं तरीके जो तक सकें फ्रेंच फ्राइज उन पूरे पूरा मेन्यू होंद, ठीक है। यो ठहंदो बिज़ मुत्तफ़िक है, टर्किश ब्रांड है, तुर्की जो ये ब्रांड है, लेकिन पाकिस्तान में ठहे पे। टे फ्लेवर इनमें स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट। चॉकलेट फ्लेवर अड़ो है कि कें भी ब्रांड में चॉकलेट फ्लेवर ना है, हने जी ब्रांड में बिज़ मुत्तफ़िक में यो मिले पे। वी सोता जो तरीक़ेकार चाहे कि इनके तहां 3.5 कप या 3 पाक खीर या 3 पाक खीर या 3.5 कप खीर में चंगी तरह इनके मिक्स कर, उनका चूल्हे के मथा चाढ़ो, खंड ना वी, काशे ना वी, इनमें क्रीम भी है, इनमें फ्लेवर भी है, इनमें खंड भी पयल है, तो खंड इनमें ना वी, तमाम बेहतरीन 4-5 मिनट में कस्टर्ड तैयार थी वो, ठीक है। अजोकी रेसिपी जी सुे 9 बजे भी रिपीट हलो, स्क्रीन के नंबर ले पे कभी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछो हो, कॉल कर पूछे सो। तो आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार फरमाइश थी, चिकन ब्रोस बनाना सिखाएं। ब्रोस बहुत तरीके से बनते हैं, लेकिन ईजी वे में बनाना सिखा रहा हूँ, जो प्रोफेशनल तरीका होता है, जो हम बाहर जाके खाते हैं, ठीक है। उसी के साथ फ्राइज़ भी बनते हैं, तो फ्राइज़ अक्सर नरम पड़ जाते हैं, उसको क्रिस्पी कैसे किया जाएगा वो भी तरीका सारा बताऊँगा आपको। और ये दोनों रेसिपीज़ एक ही मर्ज करके एक ही प्लेटर बनेगा। कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछना हो, कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसको फ्लेवर देने के लिए, बल्कि हर खाने को फ्लेवर देने के लिए चिकन पाउडर का इस्तेमाल करें, बेहतरीन मिलता है, पैकिंग में दस्तियाब है। और ये जहां हम 2 चिकन क्यूब इस्तेमाल करते हैं, उसी क्वान्टिटी में ये पूरा एक साशे होता है, ठीक है। ये मेरे पास बॉक्स है, तो इसमें 24 पीस होते हैं, जब आप ग्रॉसरी करने जाती हैं तो पूरा बॉक्स भी ले सकती हैं। मसाको चिकन पाउडर, मसाको चिकन पाउडर हर जगह मिल रहा है, बहुत ही इजीली मिल जाता है, 15-20 रुपए का ये साशे है। कोई 15 रुपए के भी दे रहे हैं, कोई 20 रुपए का भी दे रहे हैं, लेकिन मैं इसकी कीमत 15 रुपए है, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह की दाल में डालें, किसी भी तरह की सब्ज़ी में डालें, किसी भी तरह के सालन में डालें, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। लेकिन इसके साथ आपने नमक नहीं ऐड करना है, क्योंकि इसमें सॉल्ट होता है फ्लेवर के साथ, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इसको राइस में इस्तेमाल करें, 1/2 किलो चावल में आपने 2 साशे डालने, और अगर 1 साशे डालनी तो फिर 1 चाय का चम्मच आपने नमक डालना होगा बैलेंस करने के लिए। बिज़ मुत्तफ़िक बेहतरीन कस्टर्ड पाउडर है, पैकिंग में दस्तियाब है, 750 ml यानी 3 पाव दूध या 3.5 कप जो मेजरमेंट के कप होते हैं वो दूध आपने लेना है। पूरा ये पैकेट खोल के आपने डिसॉल्व करना है, उसमें डाल देना है, मिक्स करना है। चीनी इसके अंदर मौजूद है, क्रीमी टेक्सचर में है, इसके 3 फ्लेवर हैं कस्टर्ड के, ये है वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। जो चॉकलेट फ्लेवर है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुई है इसकी, ये इंट्रोड्यूस कराया गया है फर्स्ट टाइम, बेहतरीन फ्लेवर में, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इसको, आप वेरिएशन अपने हिसाब से करेंगी। 4 मिनट में ही कस्टर्ड तैयार हो जाता है, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये जिनकी फरमाइश थी तो नोट कर लीजिएगा। इसको बनाने का प्रोसेस लंबा होता है, लेकिन मैं सारा बताता जाऊंगा, आपने उसी तरह बनाते जाना है, ठीक है। ब्रोस के लिए हमने 1 किलो चिकन लेनी है, और चिकन में जो लेग पीस है इसको आपने कट लगा देना है, ठीक है। 1 किलो या 1 चिकन है तो उसके 8 पीस करवा दें, अगर आधी चिकन का बना रहे हैं, कम बनाना चाह रहे हैं, तो एक आधी चिकन के 4 पीस करवा दें, या टिक्के अगर लेते हैं चिकन के जैसे, तो 1 टिक्के के 2 पीस होने चाहिए। टिक्का जी वठंदा आयूं चिकन जा, हुन तरीके सा 1 टिक्के जा 2 पीस हुजण खपन, बस हल्को हल्को ब कट लगाइंदा सी, वधिक ना, ठीक है। 2-2 कट लगाने से क्या होगा कि आपकी जो चिकन है वो अच्छी सी अंदर तक मैरिनेट होगी। बाज़ दफ़ा अक्सर क्या होता है कि जब ब्रोस्ट हम लेते हैं तो उसमें
ब्लड कहीं कहीं रह जाता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने कट लगाना है थाई के पीस को भी और सीने के पीस को भी और लेग पीस को भी, ठीक है। ये कट लगाने के बाद हमने क्या करना है, एक लेना है बॉल, ठीक है, एक प्याला लेते हैं, इसी में बल्कि कर लेते हैं। देखें, इस प्याले में आपने डालना है पानी, पानी भी जल दो। इसको 4 घंटे आपने पानी में डिप करके रखना है, लेकिन उस पानी में आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है, ये है हरी मिर्चें, हरी मिर्चों का पेस्ट आपने डालना है 1 टेबल स्पून। ये पानी के साथ बनी हुई हरी मिर्च का पेस्ट बना हुआ है, तो 3 अदद हरी मिर्चें आपने पीस के पानी में मिला देनी है। 3 अदद सावा मिर्च पीसे पानी में मिलाई चंदो, ठीक है। ये होता है ओरिजिनल जो रेसिपी बनती है, जो उसमें फ्लेवर आता है गोश्त में। इसके साथ हमने डालना है इसमें 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका, 1/2 टेबल स्पून अच्छो सिरको, और इसमें डालना है 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका, नॉर्मल वाला जो सिरका होता है चाइनीज़ में यूज़ करते हैं, 3 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। इसमें हमने चिकन को डिप करके रख देना है 6 घंटे, 4 से 6 घंटे चिकन को डिप करके रखना है, ताकि उसका जो अंदर फ्लेवर आएगा गोश्त फीका नहीं रहेगा, ब्लड वगैरह सब ख़त्म हो जाएगा पकने में, ठीक है। ये होता है ओरिजिनल फ्लेवर देने के लिए, जो प्रोफेशनल तरीका होता है वो उसी तरीके से हम बना रहे हैं। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है ताकि नमक अच्छा सा डिज़ोल्व हो जाए, लूण चंगी तरह मिक्स थी वञे। पानी खणन दो तकरीबन 3 गिलास खणी वरिजो, हुनमें तव्हां विझंदो साए मिर्चन जो पेस्ट, यानी 3 अदद सावा मिर्च पीसे हुनजो पेस्ट करे मिलाईंदो पाणी में, लूण 1 चांहि जो चमचो, अछो सिरको जेको नॉर्मल वारो हूंदो आहे 2 टेबल स्पून भरे विझंदो, ठीक आहे। उनखां पोइ चिकन खे जेको कट लॻाए रखियो आहे, हे चिकन हिन जे अंदरि असां डिप करे छॾंदासीं, ठीक है। जितनी चिकन है आपकी, ये सारी आपकी इसमें डिप हो जाएगी। डिप करके कवर करके आपने इस चिकन को, ये मुझे लग रहा है बॉल छोटा, हम बड़ा बॉल लेते हैं, इसमें कर लेते हैं, और ये आपने बड़े बॉल में कर लेते हैं, ताकि अच्छा सा ये डिप हो जाए चिकन इसमें, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा पानी इसमें और चला जाएगा। इसको भिगो के आपने रख देना है अच्छी तरह, डिप करे मथा कवर करे तव्हां इनखे 6 कलाक रखंदो। असां वटि टाइम एॾो न हूंदो आहे, मूंखे सॼो प्रोसेस तव्हांखे ॾेखारिणो हूंदो आहे। सीने जो पीस, थाई पीस हो थी वेंदो, लेकिन लेग पीस थोड़ा कच्चा रहिजी वेंदा आहिनि, हिन करे वधीक टाइम ॾींदो। जेतिरो वधीक हिनखे टाइम ॾींदो पाणी में, एतिरा सुठा तव्हांजा ब्रोस ठहंदा। जितना ज़्यादा आपने टाइम ॾियणा आहे, उतने अच्छे आपने ब्रोस बनाने। और अगरि आपने जल्दबाज़ी की, फ़ौरन फ़ौरन मेरीनेशन की फ़ौरन, तो ब्रोस अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से कोटिंग पक जाएगी। जब तक ये डिप है यहाँ पर, जितना टाइम हम कर सकेंगे इसको डिप करेंगे, ठीक है। 1 लीटर पानी ले लें या 4 गिलास पानी ले लें, उसमें आपने 3 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका, मिक्स किया अच्छी तरह, चिकन को कट लगाए ब्रोस्ट के पीसेज में। 1 फुल चिकन अगर बना रही है उसके आपने 8 पीस करने, अगर आधी चिकन है तो उसके 4 पीस करने। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। जी जी, आपका इसका जो दे में, हम घर बैठे आपसे बहुत कुछ सीख लिया माशाल्लाह, बहुत तरतीब से बातें करते हैं, बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सी सिटी से बात कर रहे हैं? जी चकवास से, मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। हाँ हाँ, आप कॉल करती रहती हैं। कैसी हैं आप, ठीक हैं? घर में सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी फरमाइश थी कि पाए बना दे न्यारी, चिकन न्यारी और शनवारी कढ़ाई। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ। पाए कौन से, मटन के या बड़े वाले? नहीं जी, जो भी छोटे हो बड़े हो, लेकिन पाए बनाना सिखा, पाए तरीके से, पाए चिकन निहारी और शिनवारी कढ़ाई। जी जी, ठीक है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह इनमें से 2 चीजें मैं आपको बना दूंगा, ठीक है? ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये देखिए, हम बना रहे हैं फ्राइज, आलू के चिप्स, ठीक है, फ्राइज बनाएंगे। फ्राइज बनाने के लिए हमने क्या करना है कि आलू को आपने छीलना है, छीलने के बाद पानी में थोड़ी देर नमक वाले पानी में डिप करके रखें, उसके बाद आपने इसको निकाल के थोड़ा ड्राई कर लेना है, ठीक है। आलू डिपेंड करता है आप 3 ले लें 4 ले लें 6 ले लें। फ्राइज़ बनाने का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, बहुत बारीक भी ना कटिंग करें, नॉर्मल कटिंग करें, ठीक है। हमने कहा पोछा कंदो पटाटा जेकेन ये खाया। अब एक बॉल लेते हैं, खुश्क बॉल होना चाहिए, ठीक है, देखो पानी ना, कपड़े से भी इसको आप ड्राई कर सकते हैं।
क्योंकि आलू और आलू अच्छे वाले यूज़ करें जिन जो आजकल नए आ रहे हैं। जो पुराने आलू आ रहे हैं वो क्या होता है कि वो पानी छोड़ते हैं, जब वो आप फ्राई करें तो अजीब सा उसका टेस्ट होता है, एक तो मीठा बहुत होता है और वो गीले गीले से होते हैं, आप फ्राइज़ भी बनाएंगी तो सॉगी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो नए आलू इस्तेमाल किया करें फ्राइज़ के लिए। ठीक है, ये हमने ले लिए बड़े साइज़ के लंबे आलू, आपने देख के अच्छे ले लेने। हाणे हिते असां पटाटा खाया जी फ्राइज़ के लिए चिप्स कटंदा आहियूं हुन तरीके सां। इनमें छह शयूं वेंदियूं, चार शयूं जे अंदर असां इस्तेमाल कंदासीं। ठीक है, इसमें चार चीज़ें जाएंगी जिसमें से ये डेढ़ पाव आधा किलो जितने आलू की क्वांटिटी बता रहा हूँ। मैदा दो खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर दो खाने के चम्मच, मैदो ब खाने जा चमचा, कॉर्नफ्लोर ब खाने जा चमचा। कॉर्नफ्लोर से क्रिस्प बनता है। ठीक है, चावल का आटा, चावल का आटा आपने इसमें कितना डालना है, एक से डेढ़ खाने का चम्मच। चावल का आटा हर जगह मिल जाता है। मैदा दो खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर दो खाने के चम्मच, चावल का आटा एक खाने का चम्मच से डेढ़ खाने का चम्मच, मैदो ब खाने जा चमचा, कॉर्नफ्लोर ब खाने जा चमचा, चावरन जो अटो डेढ़ खाने जो चमचो। ठीक है, इसके बाद हम इसमें फ्लेवर देने के लिए डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, आप लाल मिर्च भी डाल सकती हैं, हाफ टी स्पून जितना। ठीक है, और इसमें हम देंगे अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मसाको चिकन पाउडर। नमक मैंने इस्तेमाल नहीं किया, तो मसाको चिकन पाउडर का साशे एक इसके अंदर पूरा डालूंगा। ठीक है, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर बन जाएगा। ये एक पूरा हमने चिकन पाउडर मसाको का डाल दिया। इन केस आपके पास ये नहीं मिल रहा तो आप इसमें हाफ टी स्पून से कम नमक और एक चाय का चम्मच चिकन पाउडर डालेंगी। ठीक है, अगर ये नहीं मिलता, वरना ये मिल रहा है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर ये नथो मिले तव्हां वटि त पोइ तव्हां हिनमें अधु चांहि जो चमचे खां घटि लूणु ऐं हिनमें तव्हां विझंदो चिकन पाउडर हिकु चांहि जो चमचो। अच्छा, ये कभी भी हाथ से मिक्स नहीं किया करें, इसको इस तरह मिक्स किया करें, इस तरह कोटिंग बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, दो तीन मिनट तक हिलाते रहें तो क्या होता है, फ्राइज़ पे बहुत अच्छी सी कोटिंग चढ़ जाएगी। हथ से मिक्स ना कंदा क्यों, और जो रह जाए कोटिंग नीचे वो आप रख दें दोबारा, और फ्राइज़ बनाने में आपके काम आ जाएगी। और अगर ड्राई ड्राई सी, क्योंकि आलू भी पानी छोड़ता है, और फौरन फ्राई कर लिया करें जेका कोटिंग बची बने। ये देखें, अच्छी तरह घुमाते जाएंगे तो मसाला नीचे से जो हमने बनाया है इसका, ये ऊपर आता जाएगा। इस तरह देखें, खुद ब खुद घूमते जा रहे हैं, ये हो रहा है। यहाँ पर हम ऑयल गर्म करना शुरू कर देते हैं टेम्परेचर पर, फिर इसको हमने करना है इसमें डीप फ्राई। फ्राइज़ को हाफ डन फ्राई करके निकालने, यानी आपने तीन से चार मिनट फ्राइज़ को फ्राई करना है, उसके बाद आपने छन्नी में डाल के इसको हवा में रख देना है। हवा मतलब पंखे के नीचे ना रखें, ऐसे छन्नी में पड़े रहें। ठीक है, छन्नी में पड़े रहेंगे तो उससे क्या होगा, ये थोड़े सॉफ्ट नहीं होंगे, थोड़े सख्त भी हो जाएंगे और सेट भी हो जाएंगे अपने। उसके बाद जब आपने इसको खाना है, आधे घंटे बाद दोबारा फ्राई कर लें। अच्छी तरह घुमा रहा हूँ ताकि इसका जितना भी फ्लेवर है इसके ऊपर आता जाए। ठीक है, जितरो इनके खपंद हो इनके मथा चिंबड़ी पे। बहुत गीले आलू नहीं होने चाहिए, और नए आलू इस्तेमाल करें, पुराने आलू करेंगी तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बाद में काउंटर क्लियर करते हैं। आटा कभी भी डस्टबिन में ना फेंका करें, साइड में इस तरह रख दिया करें। ठीक है, ये चंगी तरह मैं इनके वरी मिक्स किया, तो एक दफ़ा मिक्स किया दोबारा आखिर में, ये देखें अच्छी तरह, ताकि कोटिंग आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे। ठीक है, इसमें मैं डालूंगा ताकि एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाए इसका सारा, वरना क्या होगा, आपके ऑयल में जाके नीचे प्याली रख दें, मैंने चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ, ये देखें कितना सारा भी इसमें से ये डस्ट निकल रहा है। ठीक है, फिर उठा के फिर यूँ डाल रहा हूँ, इस तरह हल्का हल्का घुमाते जाएँ, और ये वापस रख दें, ड्राई है बिल्कुल, ये काम आएगा आपको आगे, फिर फ्रिज में रख दें। हिनखा छा थींदो कि एक्स्ट्रा जो आए किरी वो हेठ अची वो इनके तुम ऑयल भी ख़राब ना थी, वरना मैदो सजो ऑयल में वही सड़न शुरू थी। ठीक है, ये सारा हो गया, देखें छन गया। अब इसको जब ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे, थोड़ा सा इसका एक पीस छोटा सा डाल के देख रहा हूँ, वो अंदाज़ा हो जाएगा आपको खुद ही। ठीक है, अभी इसमें दो मिनट हैं, और स्टिक्स कहाँ रखी वाली नीचे। ठीक है, इसका एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या करना है। स्कीवर्स जो होते हैं हमारे पास, जो वुडन होते हैं जिसे हम शाशलिक में इस्तेमाल करते हैं, हिन्ने जो भी तरीको दिखाना, तो जो शाशलिक जला स्टिक्स इस्तेमाल करना है, ये भी आप ऑयल में डाल के इसका टेम्परेचर चेक कर सकती हैं।
वो किस तरह के आपने इसको रखना है और इसके साइड में बबल बनना शुरू होंगे। अभी स्टिक के साइड में बबल बनना शुरू ही, जूम कर दिखा जो इस स्टिक जो साइड में बबल ना पे हटाएं, ठीक है। इसके जब स्टिक हम डिप करते हैं, जहाँ तक डिप होगी इसके साइड्स में बबल से बुलबुले से बनना शुरू होंगे, तो आपका इसका टेम्परेचर बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, फिर आप कोई भी चीज़ फ्राई कर सकती हैं। इस तरह की स्टिक्स रखें, ये होती हैं घरों में, अभी भी इसमें टाइम है, ठीक है, अभी भी इसका टेम्परेचर अप नहीं हुआ है। ये ॾाढो आसान तरीक़ो आहे। स्टिक्स हूंदियूं आहिनि शाशलिक वारी, हे खाई ऐं इहा तव्हांजे अंदरि हीअं रखंदो, हिन जे जॾहिं साइड्स में बबल अचणु शुरू थींदा पोइ तव्हां सम्झंदो त तव्हांजी ऑयल जी टेम्परेचर बिल्कुल बैलेंस आहे। अब इसके साइड्स में बबल बनना शुरू हो रहे हैं, ठीक है, ये देखें एक बॉयलिंग से बबल बनना शुरू होंगे जी, ठीक है। ब्रेक जो टाइम क्यों है, अब ब्रेक का टाइम हो रहा है, इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए। ये सारे फ्राइज छानने के बाद मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद हम जा रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे और इसको 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने वापस निकाल देना है। एक शॉर्ट ब्रेक ते वञूं था जेसि ताईं असांजा फ्राइज हिते फ्राई थियनि पिया, बट हुते हिकु शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक खां पहुची रेसिपी कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेके रेसिपी टाइप पे चिकन रोस्ट ठाहियूं पिया, हुन सां गॾु जेके फ्राइज़ ठाहींदा आहिनि उहो ठाहियूं पिया, ठीक है। फ्राइज़ जो है ये 3 से 4 मिनट हमारे हम ब्रेक पे गए थे और इसको मैंने बिल्कुल स्पून से आपने टच नहीं करना, इस तरह का स्पाइडर होना चाहिए या फोक ले लें। लेकिन जब आप ऑयल में कोटिंग वाली कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसको 1 से 1.5 मिनट तक पकने दिया करें, कभी भी चम्मच या स्पाइडर नहीं चलाया करें, उससे क्या होता है कोटिंग खुल जाती है। तो इसी तरह मैंने फ्राइज़ की भी कोटिंग नहीं खोली थी और मैंने छोड़ दिया था। देखें ये अभी हाफ डन हुए हैं, ठीक है, लाइट लाइट सा गोल्डन कलर आ रहा है। अब इसको हमने एक खुली सी छन्नी में डाल देना है। छन्नी में डालने से क्या होगा, इसको एयर लगती रहेगी और ये ठंडे होंगे। आखिर में इसको एक दफ़ा रीफ्राई करना है 1-2 मिनट के लिए, ठीक है। 1-2 मिनट ला आखिर में इनके फ्राई कंदासीं ऐं ही ॾिसो ऑयल असांजो बिल्कुलु क्लियर आहे। छाकाणि त जॾहिं असां इनखे कोटिंग कंदा आहियूं त हथ सां न बल्कि हीअं हिलाईंदो, हिलाइण खां पोइ छाणी में जॾहिं कोटिंग चङी थी वञे 3-4 मिंटनि ताईं, हुनखां पोइ छाणी में वॾी में विझी इनखे छाणे वठिजो। छाणण खां छा थींदो, जेको अटो आहे मसालो आहे सभु निकिरी वेंदो, जेतिरी उनखे नीड हूंदी कोटिंग करण जी उहो खणी वठंदो पंहिंजी कोटिंग, उनखां पोइ तव्हांजो ऑयल बिल्कुलु क्लियर हूंदो। न त ऑयल में कारा कारा पीसिस ऐं दाणा दाणा ठही वेंदा, सॼो मसालो सड़णु शुरू थींदो, मैदो सड़णु शुरू थींदो, कॉर्नफ्लोर वग़ैरह। ऑयल में जब हम छान के डालेंगे, जब कोटिंग करने के बाद उसको छन्नी में डाल के आपने छानना है, एक्स्ट्रा जितना उसका वो है कोटिंग है वो निकल जाएगी बुरादा, तो ऑयल आपका देखें बिल्कुल क्लियर है। अब इसको हमने छोड़ देना है इसमें छन्नी में, ताकि इसका नीचे से चारों तरफ से इसको हवा लगती रहे। अब इसको मैं रख रहा हूँ साइड में ताकि ये इसको हवा लगती रहेगी, ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे जब तक हम ब्रोस बनाएंगे, आखिर में हम इसको करेंगे। अब ब्रोस को हमने बनाने के लिए जो हरी मिर्च, लेमन, ठीक है, इसमें डाला था सिरका, सॉरी हरी मिर्च, सिरका और नमक जो डाला था उसको हमने मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद इसको हमने 6 घंटे छोड़ना है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता तो मैं इसको अब डायरेक्ट वो करूँगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट करने के लिए हम लेंगे 1 प्लेट, बल्कि जी मीरपुर खास से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो कैसर भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी फरमाइश थी शायद? जी जी, आज मैं आपकी अपनी फरमाइश देती हूँ, बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे। जरूर ट्राई कीजिए, मैं देख रही हूँ फरमाइश ना अपनी, बिल्कुल जरूर ट्राई कीजिए। प्रोग्राम देख रही हूँ, टीवी की आवाज मैंने बंद कर दी ताकि डिस्टर्बर ना हो, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मैंने सारी रेसिपी लिखी है, माशाल्लाह आपने मेरी फरमाइश पूरी की, मेरे कहा फैसल भाई का थैंक्स अदा करूंगी ना, फैसल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए जज़ाकअल्लाह कि आपने मेरी फरमाइश पूरी की। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, जरूर ट्राई करके बताइएगा, ठीक है जी जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब देखें इसको मैं पानी से निकाल रहा हूँ और पानी आपने फेंक देना है। इसमें जितना फ्लेवर लेना था, हरी मिर्च, सिरका और नमक का फ्लेवर आ गया, जो ब्लड आता है वो भी एक्स्ट्रा सारा इसमें से वो निकल जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह से पकड़ें और ये ऊपर से आपने इसमें फ्लेवर आएगा, लेकिन ज़रूर आपने 6 घंटे इसको रखना है इस तरह पानी में, ठीक है, 6 कलाक ज़रूर रख जो पानी में, ताकि इनके अंदर फ्लेवर इंदो। अगर तुम इनके 6 कलाक ये न रखियो त पोइ तव्हांजे चिकन में फ्लेवर न ईंदो, मार्केट वारा ब्रोस न ठहंदा। अब ये आप बल्कि मार्केट वाली क्या, जो अच्छी ब्रांड के जो ब्रोस बनते हैं, लोग बनाते हैं अच्छे, उन्हीं के इस तरह बनते हैं। बहुत से लोग ये भी नहीं करते, वो डायरेक्ट बना रहे होते हैं, वो ब्रोस इतने अच्छे बहुत से नहीं भी बनाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, इसको करना है मैरिनेट। मैरिनेट प्याले में डाला, इसके ऊपर हम डालेंगे
चिली सॉस जो चाइनीज़ में हम यूज़ करते हैं, दो खाने के चम्मच चिली सॉस जो चाइनीज़ में इस्तेमाल कंदा आहियूं, ॿ खाइण जा चमचा अछो सिरको, सफ़ेद सिरका नॉर्मल वाला, दो खाने के चम्मच। अच्छा ये भी बता दूं कि चिकन का वज़न 1 किलो है, ठीक है। आप ज़्यादा ब्रोज बनाएंगी तो फिर आपने ये सब चीज़ें बढ़ानी है, लेकिन ये एक मुर्गी 8 पीस तक आप इतना ही रखेंगी, 8 पीस से ऊपर जाएंगी तो फिर आपने 12 पीस हैं तो फिर एक एक टेबल स्पून आपको बढ़ाना पड़ेगा इसका सॉसेस का, ठीक है। हे 1 किलो यानी 8 पीस आहिनि, अगर 6 पीस आहिनि या 8 पीस आहिनि, अगर 12 पीसनि ताईं वञो था त पोइ तव्हांखे 1 खाइण जो चमचो वधाइणो पवंदो। सोया सॉस इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच हमने डाल दिया सफ़ेद सिरका, 2 खाने के चम्मच चिली सॉस, ठीक है। इसके बाद हम इसमें मसाले क्या डालने वाले हैं, सारे हमारे घर में मौजूद होते हैं। ये है अदरक का पाउडर, सौंठ जिसे कहते हैं। अच्छा ये बता दूं कि मैं इसमें अदरक और लहसुन का पाउडर डाल रहा हूँ, और ये हर जगह मिल रहा है, लहसुन का पाउडर भी मिलता है। इनकेस आपको नहीं मिलता फिर आपने इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट लगाना है। लेकिन ओरिजिनल रेसिपी जो होती है जो अच्छा फ्लेवर देने के लिए, उसमें पाउडर डलता है, तो पाउडर मीरपुर ख़ास में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अदरक का पाउडर जो सौंठ जिसे कहते हैं वो हम डालेंगे इसमें 1/2 चाय का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है। नमक इसमें जाएगा 1/2 चाय का चम्मच, क्योंकि नमक वाले पानी में भी डिप था। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच भर के, काली मिर्च का फ्रेश बना के पाउडर डालिएगा 1 चाय का चम्मच भर के। ये है मस्टर्ड पाउडर, सरसों के बीज का पाउडर होता है, हर जगह मिलता है, डब्बी में मिलता है, खुला भी मिलता है। ये हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच से 1.5 खाने का चम्मच तक, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छा लगता है। ये है लहसुन का पाउडर, लहसुन का पाउडर भी मिल जाता है हर जगह, लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच, इससे फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है। अगर ये नहीं है तो फिर आपने इसकी जगह लहसुन का पेस्ट डालना है बारीक पिसा हुआ, ठीक है। और ये है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर हम अक्सर बेकिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन इसको बाइंड करने के लिए, फ्लेवर अच्छा आएगा, बाइंड करेगा मसालों को, तो इसके लिए हमने डालना है बेकिंग पाउडर इसमें 1/2 चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, अदरक का पाउडर, सौंठ इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा, नमक 1/2 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च भर के 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के, मस्टर्ड पाउडर मिल जाता है, सरसों का पाउडर, ये डालेंगे 1 से 1.5 चाय का चम्मच, और ये है लहसुन पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये हम डालेंगे 1 से 1.5 चाय का चम्मच डालिएगा भर के। और बेकिंग पाउडर हमने डालना है 1/2 चाय के चम्मच से ऊपर। अदरक लहसुन का पाउडर नहीं मिलता तो आपने पेस्ट 2 खाने के चम्मच मिला देना बस। हाणे इनमें छा वेंदो, सुंड जेका असां इस्तेमालु कंदा आहियूं उहो विझंदासीं 1/2 चाय जो चमचो भरे विझिजो, ताकि मथे ताईं लेवल जीअं भरियल हूंदो आहे। लूणु 1/2 चाय जो चमचो, पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो भरे विझंदो, कारा मिर्च पीठल 1 चाय जो चमचो फुल भरे भरे विझिजो, ठीकु आहे। इहो विझंदासीं मस्टर्ड पाउडर, यानी सरे जे ॿिजनि जो पाउडर मिलंदो आहे, बग़ैर छिलकनि जे ही मिली वेंदो आहे हर जॻह, सरे जे ॿिजनि जो पाउडर आहे, मस्टर्ड पाउडर दॿी में बि मिले थो, खुलो बि मिले थो। इहो विझंदासीं 1/2 चाय जो चमचो भरे, थूम जो पाउडर मिलंदो आहे, गार्लिक पाउडर चवंदा आहियूं, इहो विझंदासीं 1 चाय जो चमचो या 1/2 चाय जो चमचो भरे, ऐं मस्ट बेकिंग पाउडर 1/2 चाय जो चमचो, इनखां सुठो थींदो, ठीकु आहे। ऐं अगरि अदरक थूम जो पाउडर नथो मिले, सुंड त मिली वेंदी आहे, अदरक जो पाउडर नथो मिले त अदरक जो पेस्ट 1 खाइण जो चमचो विझंदो। वरी ॿुधायां पियो, सुंड 1/2 चाय जो चमचो, लूणु 1/2 चाय जो चमचो, पीठल ॻाढ़ा मिर्च, कारा मिर्च ॿई मिलाए 1 चाय जो चमचो भरे, मस्टर्ड पाउडर सरे जे ॿिजनि जो पाउडर 1/2 चाय जो चमचो, थूम जो पाउडर आहे 1/2 चाय जो चमचो भरे विझिजो, ऐं बेकिंग पाउडर, ठीक है। अदरक लहसुन का पाउडर डालिएगा, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इनकेस अगर नहीं मिलता बहुत ढूंढने के बाद, फिर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, अदरवाइज़ ये चीज़ें डालनी। अब इसको हमने करना है अच्छी तरह मैरिनेट, यानी मिक्स। मिक्स करने के बाद आपने फिर इसको 1 से 1.5 घंटा कवर करके छोड़ देना है, या ये प्रोसेस रात को करके आप छोड़ दें, सुबह बनाएं, जितना अच्छा इसको टाइम देंगे इतना अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आएगा, ठीक है। बड़े ज़बरदस्त से ब्रोज बनेंगे, अंदर से फ्लेवर होगा। ये होता है बहुत सी जगहों पे कि अंदर खोलते हैं बिल्कुल वाइट होता है, फीका होता है, वैसा नहीं होगा, ठीक है। ये बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा। इसको हमने अच्छी तरह कोट करना है, मैरिनेट करना है। इसके बाद इसकी बनाते हैं कोटिंग, ठीक है। अच्छी तरह एक एक पीस को आपने कोट करना है। कट लगाने का मकसद ये था कि इसके कट्स के अंदर तक फ्लेवर जाए और जो अंदर ब्लड होता है वो ख़त्म हो जाएगा मसालों से, ठीक है।
चंगी तरह इनके कोट कंदो हिकड़े हिकड़े पीस के खणी आई कलाक ता इनके कवर के रखंदो सीने जा पीस आइन ही थाई जा पीस आइन ही मसाले में ही इन तरीके से डिप कंदा विंदो। अब इसको कवर करके आपने छोड़ देना है मज़ीद 1 से 2 घंटे। हैंड वॉश करता हूँ, उसके बाद हमने इसकी कोटिंग बनानी है। जो ब्रोस्ट की कोटिंग बनती है वो किस तरह बनेगी अब वो गौर से आप लोगों ने देखा। लिखते जाया करें जो चीज़ मैं बताता हूँ स्पीड में, डायरी बना लें, रजिस्टर बना लें, लिखते जाएं। ठीक है, हाँ ही थे वो हाँ जी ठाईदा सी कोटिंग। अब इसकी बनाते हैं कोटिंग। एक बॉल लेते हैं, इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा मेजरमेंट करके। ठीक है, 2 कप मैदा, 2 कप मैदे में हम डालेंगे 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, 2 कप मैदो, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, 2 कप मैदा, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर। ठीक है, 2 कप मैदो, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, और ये है हमारे पास नमक। ठीक है, नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। ये है बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर में इसमें या बेकिंग पाउडर है या बेकिंग सोडा है तो वो भी आप इसमें 1/4 टीस्पून डालेंगे। जी हैदराबाद का कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, टीवी जो वॉल्यूम बंद कर छोड़ो। ओके, अच्छा वरी बुधाया पे इतने छा विधो, 2 कप मैदो, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर। ठीक है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा है तो 1/2 चाय जो चमचो, आई लून 1/2 चाय जो चमचो, 2 कप मैदा, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, और उसके साथ आपने 1/2 टीस्पून नमक डालना है। मस्टर्ड पाउडर जैसे हमने उसमें डाला था यहाँ पे डालेंगे 1 चाय का चम्मच, क्योंकि कोटिंग फीकी नहीं होनी चाहिए, कोटिंग में फ्लेवर होगा तो अच्छी लगेगी। लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है, ये अच्छे फ्लेवर वाले बनेंगे बहुत। क्या क्या मिलाया दोबारा बता रहा हूँ, मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पाउडर उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है 1 चाय का चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे मसाको चिकन पाउडर, क्योंकि नमक इसमें डाला है तो मसाको चिकन पाउडर इसमें मैं डालूँगा 1/2 साशे, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, 1/2 साशे में भी जंदासी मसाको चिकन पाउडर। अगर मसाको चिकन पाउडर नथो मिले तो वो चिकन पाउडर 1 चाय जो चमचो विझी छजो, अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर ज़बरदस्त फ्लेवर निकल के आए। चंगी तरह इनके मिक्स कर दो। मसाको चिकन पाउडर मैंने 1/2 साशे डाला है। ठीक है, इसमें 1/2 साशे डाल दिया मसाको चिकन पाउडर, इसको किया मिक्स। ये थी वो। अब इसका तरीक़ेकार आपने देखना है कि मैं कोटिंग इसकी किस तरह करूँगा। एक बॉल में हमने लेना है पानी और एक बॉल में हमने रखना है पाउडर इसका कोटिंग का। ठीक है, एक प्याले में असा खणंदा सी पानी, एक वे प्याले में असा ही कोटिंग ठाई वरती। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाने का तरीका क्या है, आपने ये अच्छी तरह मिक्स करके रखा, ये गौर से देखना है आपने प्रोसेस। ठीक है, इस तरह रख रहा हूँ तीनों चीज़ें, चूल्हा ऑन करते हैं और इसको कोट करते जाएंगे और हम फ्राई करते जाएंगे। कढ़ाई बहुत बड़ी ना हो, नॉर्मल मीडियम साइज़ के लिए 2-2 पीस 3-3 पीस करके आपने कोट करते जाना है। बहुत ईजीली समझा रहा हूँ आप लोग को और बहुत आराम से आप बना सकती हैं। ये पीस उठाया मैरिनेशन वाला, ये आपने डाला मैदे में, मैरिनेशन वाला पीस खाए हो इनके भी चंदो मैदे में। दोनों हाथ यूज़ करने, एक हाथ आपने गीले के लिए रखना है, एक हाथ आपने ड्राई के लिए रखना है। अब उल्टा वाला हाथ है, इससे ड्राई फॉर्म में आपने डालना है इसको, इस तरह करके अच्छी तरह कोट करने के बाद आपने इस तरह इसको दबाना है। दबाने के बाद आपने इसको फिर उठाया यूँ झाड़ा चंगी तरह। ठीक है, पहली तरह इनके खड़ा दो मसाले, हाँ इनमें विधो चंगी तरह मिक्स कर, चारों तरफा कोटिंग अचान खपे, ऐसो चारों तरफा कोटिंग अची वही इनके विझंदी पानी में। अब उल्टे हाथ से दोबारा इसको सीधे हाथ से उठाना है, पानी में डिप करके फ़ौरन आपने निकाल लेना है। फ़ौरन निकालने के बाद यूँ पकड़ा, पानी इसका गिरा, जब पानी निकल गया फिर आपने इसको कोट करना है। बदीन से कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक भाई, क्या हाल है? ठीक मां, बिल्कुल ठीक ठाक। ता बुदायो छ हाल ता जा? अल्लाह का शुक्र है, सब बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ चाहिए दो को फरमाइश है ता जी?
ना प्रोग्राम जाम छो लगंदा शख सा दिसना है मेहरबान यार हम तल्ला जको भी दिखा ट्राई कयो है काफी सिठो है मेहरबानी तमाम करनी पंजो ख्याल रख जो खोड़ सारो ए कॉल करने जी तमाम करनी मेहरबानी ठीक है दी ओके जी। अब देखें इसको मैंने निकाल लिया कॉल आ गई थी तो अच्छी तरह इसको आपने प्रेस करना है। अब आप चाहें तो इसको डबल कोट कर सकती हैं। मैं इसको ज़्यादा ब्रेक का टाइम हो गया एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं जब तक मैं इनको एक पानी में पहले कोट पाउडर में डिप करेंगे फिर पानी में डिप करेंगे फिर पाउडर में डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है कोटिंग होती जाएगी मैं निकालता जाऊँगा एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं ब्रेक के बाद आके हम इसको फ्राई करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक ते होने का पहली तरह सामू चिकन रेसिपी टाइप हो टाइप चिकन ब्रोस जो असा टाइम पे मसाको चिकन पाउडर से अगर तमाम बेहतरीन फ्लेवर दें मसाको चिकन पाउडर तो इतने जो पानी रखो जो कोटिंग तेज सामू ठाई हुई कोटिंग में कहीं वरी बुधा पे मैरिनेटेड जो चिकन है छह कलाक मैरिनेट करण का पोए तक प्रोसेस करो है छह घंटे के बाद करना है मैरिनेशन आपने छः घंटे करके रखनी है देन आपने इसको फिर कोट करना है। अब हमने क्या किया ये पीस उठाया दोबारा बता रहा हूँ दो पीस मैंने छोड़ दिए थे बाकी मैंने कोट कर लिया ये जो पाउडर फॉर्म में है इसमें डाला सीधा हाथ आपने पानी के लिए रखना है उल्टे या दो बंदे करते जाएं तो इजी है क्योंकि अगर आप गीला और सीधा हाथ दोनों मिक्स करेंगे तो हाथ पर आपकी कोटिंग चिपकना शुरू हो जाएगी और इससे कोटिंग उतरना शुरू हो जाएगी पीस से। यह आपने अच्छी तरह इसको कोट करना है ठीक है कोट करने के बाद आपने इसको झाड़ा झाड़ने के बाद दूसरे हाथ में पकड़ा फिर आपने खाली सादा पानी है ठीक है इसको आपने पानी में इस तरह टिप करना है फौरन निकाल देना है ज़्यादा देर नहीं छोड़ना बस ये इस पर पानी आ गया और यूँ पकड़ के रखना है ये पकड़े रख जो पानी जो अंजे मत्था खा एक्स्ट्रा निकली मैंने वरी इन कोटिंग में ताइन की विजन दो। अब आपने क्या करना है पूरा पाउडर पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करना है फिर आपने इसको हाथ से प्रेस कर करके अच्छी तरह कोट करना है पहले एकदम डायरेक्ट कोट नहीं कीजिए वरना इसकी जो कोटिंग थोड़ी बहुत हुई हुई वो हाथ में आ जाएगी आपके। अब देखें ये तरीका इस तरह करके इसको घुमाते जाएं बड़ा थाल ले लें बड़े थाल में भी कर सकती हैं बड़ा प्याला हो आप उसमें भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगे ठीक है इन तरीके से इनके चंगी तरह दबाइंदा वेंदो पीस के पलटाइंदा वेंदो इनकी जितनी इन तरीके से कह एतरी सुठी कोटिंग है। अगर जिंगर वाली कोटिंग खपे एक दफ़ा करण का पो तांके वापस ही पानी में विझणो वापस करनी पैंदी यानी टे दफ़ा पाउडर की कोटिंग ए ब दफ़ा पानी की मां सिंपल नॉर्मल ब्रोस ठाएं पियो तो पो हिन करे मां जिंगर जी वधिक इनके न पियो क्या ठीक है। अगर आप जिंगर की कोटिंग करना चाहेंगी तो आपने जैसे पहले पाउडर में डाला फिर पानी में डाला फिर पाउडर में डाला फिर उसके बाद पानी में डालेंगी फिर तीसरी दफ़ा पाउडर में डाल के करेंगी तो जिंगर का लुक देगा ये होता है प्रोसेस ठीक है। कोई अंडा वगैरह कोई डालने की ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल ये जो ओरिजिनल मार्केट में बनते हैं आउटलेट्स पे उसी तरह मैंने सिंपल आपको बनाना सिखाया ये पकड़ के झाड़ते जाएं ये एक्स्ट्रा निकलता जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको फ्राई भी करना शुरू होते हैं साथ साथ बनाते जाएं और फिर फ्राई करते जाएं जितना देर आप बना के रखेंगी सौगी होती जाएंगे मसाला है वो कोटिंग इसकी नरम होती जाएगी वो पानी पकड़ती जाएगी तो इससे बेहतर है कि आप इसको ज़्यादा देर ना रखें। स्टिक्स कहाँ ले गई आप उठा के यार एक मैं और लेता हूँ स्कीवर ठीक है। टेम्परेचर आपने इसका सेट करके देखना है स्टिक उठाई शाश्रिक वाली ये पकड़ी ये देखिए इस पर ये देखें गौर सा दिखा जो पकड़ी ये देखें इसमें बबल्स बन रहे हैं ये आपका टेम्परेचर बिल्कुल तैयार है। इस तरह की स्टिक्स होती हैं घर में कोई भी लकड़ी ले लें बारीक सी कोई साफ़ सुथरी स्टिक ये रखी टेम्परेचर इन तरीके से ॾिसंदो दो जी बबल ठन पे टेम्परेचर चेक करण जो हूँ ऑयल जो ये देखें ये बिल्कुल सही है ठीक है ये देखें पकड़ के रखा हल्के हल्के बहुत ज़्यादा अगर स्पीड में बबल्स बन रहे तो समझिए आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो गया ऑयल ठीक है। अब ये पीस उठाया और फौरन आपने फ्राई करना हल्का सा फिर झाड़ें एक दफ़ा इसको आपने डाल देना आराम से अब पलटाना नहीं है इसको फौरन ठीक है इस तरह डालते जाएं दो दो पीस तीन तीन पीस सारे एक साथ नहीं डालने और अब इसको पलटाना फौरन नहीं है इसमें आपने और मीडियम टेम्परेचर पर करें ताकि चिकन जो आपका अंदर तक कोट हो जाए ये ना हो कि ऊपर से एकदम डार्क हो जाए ब्राउन कलर में आ जाए अंदर से कच्चा रह जाए। अब मैंने इसका टेम्परेचर डाउन कर देना है मीडियम फ्लेम पे ठीक है। अब इसको पकने दें कवर करने की ज़रूरत नहीं है कि आप वो ऑफिशियल तरीके से वो मशीन्स होती हैं बंद करने की तो इसको आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं इसी तरह पकने दें। इसको अगर पतीले में आपने कवर करना है तो फिर पानी छोड़ेगी और डिफरेंट हो जाएगा ठीक है। उठाया लास्ट वाला पीस पानी में इनके बाद में विझंदासीं पहिरीं पाउडर में अच्छी तरह मिक्स करें उसके बाद उठा के झाड़ा इसको सादे पानी में डाला
अच्छी तरह, पानी में हिलाना नहीं ज़्यादा, बस इसका डाल के छोड़ दें। ये ऊपर पकड़ा ही हूँ, पानी ड्रॉप हुआ, उसके बाद आपने ये डाला और इसको, ठीक है, ये सिंपल बनाएं। अगर जिंगर करेंगी तो एक दफ़ा फिर पानी में आप टिप करेंगी, दूसरी दफ़ा यानी दो दफ़ा पानी में, तीन दफ़ा इस तरह। हमारा यहाँ पे क्या हो, एक दफ़ा पानी है और दो दफ़ा पाउडर है, ठीक है, बस ये तरीक़ा है। जिंगर ठाहिणो आहे, हिनखे वधीक क्रिस्पी मोटी करणी आहे, जिंगर वारी लेयर ॾियणी आहे, त हुनखे ॿ दफ़ा पाणी में विझंदो, यानी पाउडर में, पाणी में, वरी पाउडर में, वरी पाणी में, वरी तीसरी दफ़ा पाउडर में, उहो डबल कोटिंग थींदी हेवी। इसको डाल के फिर आपने दबाना है इस तरह ज़ोर से, जितना इतना होना हो कि हड्डी बिल्कुल गोश्त से अलग हो जाए, लेकिन अच्छी तरह आपने दबा दबा के इस तरह करना है। ये देखिए, अब इसको मैंने झाड़ दिया, ये लग के हमारा हो गया तैयार, ठीक है। दो दो पीस करके कर रहा हूँ ताकि हमारी, अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको आप रख भी सकती हैं, इसको आप फ्राइज में भी कोटिंग कर सकती हैं, इसको और चीज़ों में भी आप कोटिंग बना के रख सकती हैं, ठीक है। ये आप ज़्यादा 4-5 दिन तक आप इसको रख सकते हैं कवर करके। ये पानी आप फेंक दें, पानी हमारे काम का नहीं है। मैरिनेशन का जो ये लिक्विड है ये आपने फेंक देना है, ये यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसमें कच्ची चिकन का है ना तो ये फंगस पकड़ जाता है, तो इसको आपने फेंक देना है। ये जो मैरिनेशन जो जो कोटिंग आ जो मसालो है ये फिटो करी छो, अगर तुम इनके रखी इस्तेमाल कर, इनमें फंगस थी वो सुठो ना है, इनमें कच्ची चिकन अस विधी है, ठीक है। कच्ची चिकन की मैरिनेशन होंगी उनके फिटो कर छा क्यों रखा ना क्यों मैं, अभी मैंने इसको बिल्कुल टच नहीं किया, चिकन हमारा पक रहा है। अगर आपने फौरन फौरन इसको टच करेंगी तो इसकी कोटिंग टूटना शुरू हो जाएगी। हाथ साफ कर लूँ, उसके बाद हम इसको फ्राई करते जाते हैं, और आखिर में हमने जो निकाले थे फ्राइज उसको इसी में फ्राई करेंगे, ठीक है। अब एक मिनट आपने पकने देना है इसको, एक मिनट के बाद आपने पीसेस को पलटाना है। इसके बाद हम इसका एक सॉस बनाएंगे, जो आप जाते हैं ब्रोस खाने उसके साथ एक दही की तरह एक सॉस होता है, बड़ा ज़बरदस्त सा डिफरेंट सा वाइट सा सॉस देते हैं केचप के साथ, तो वो भी बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। एकड़ो सॉस जो दही से अगर ठंड है केचप से गड्डी दिता है बड़ा वाइट सॉस हों, ठीक है, आएँ एक हों केचप चिली गार्लिक सॉस, तो वो भी तक हाँ मैं दिखारा तो क्यों दही वो सॉस क्यों ठाको। इको सिंपल होता है, वो बहुत ही मज़े का होता है, इसकी रेसिपी अक्सर पता नहीं होती कि क्या बना हुआ था, लोग शौक से लेते हैं। थोड़ा सा काउंटर क्लियर करके अब हम इसको पलटाना शुरू करेंगे। ज़बरदस्ती इसकी कोटिंग आई है, टेम्परेचर डाउन रखा हुआ है मैंने, बहुत गर्म नहीं किया हुआ, ठीक है। इसको पलटाएंगे और उसके बाद एक छन्नी ले लें, यह इस तरह की ट्रे मिलती है स्पाइडर टाइप की, ये नीचे ट्रे रख दें, ठीक है। मैं इसलिए रख रहा हूँ नीचे क्योंकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकलेगा। हाँ इनके कड्डन दासी तो उसको आपने निकालना, ये आपने इसके पीसेस इसके ऊपर रखने, फिर इसको दोबारा एक दफ़ा फ्राई करेंगे, ठीक है। ये हो गया, नीचे ऑयल निकलता रहेगा इसका, ये पीसेस इसमें डालते जाएंगे। उठाया बताओ जाके, ठीक है, ये अब फ्राई हो रहा है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना है, ठीक है, मीडियम फ्लेम पे हमने करना है, इलाही तेज़ बाय थे ना का जो मीडियम थे का जो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेनी है हमने दही एक कप जितनी, या एक प्याली दही लेना है, और दही को आपने फेंटना है अच्छी तरह, दही खाई दही के चंगी तरह फेंटन दो, क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। एक ये बड़ी है प्याली, हाफ प्याली है, ठीक है, वरना एक नॉर्मल प्याली या एक कप भी ले सकती हैं। दही को बिल्कुल, और दही खट्टा नहीं होने चाहिए, ये चीज़ आपने नोट करनी है, दही खट्टो ना हो जाए। ये देखें बिल्कुल क्रीम बन गई, सफ़ा क्रीम ठही हुई, दही खट्टी ना हो जाए। इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा सा, 3 खाने के चम्मच जितना, और अगर दही पतला है तो फिर पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर दही खट्टो पतलो आए तो अधिक पानी मिलाने की ज़रूरत ना है। ये हो गया, थोड़ा 1 टेबल स्पून पानी हो जाएगा, कंसिस्टेंसी आपने खुद नॉर्मल रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं हो कि आप जब ब्रोस के साथ खाएं तो उस पर लगे ही ना, ठीक है। ठीक भाई, अब इसमें वो जो फ्लेवर होता है मार्केट वाला वो क्या है, ये है लहसुन पाउडर, लहसुन पाउडर गार्लिक पाउडर से फ्लेवर आता है। ये हम डालेंगे इसमें 1 चाय के चम्मच और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून नमक, लहसुन पाउडर और ये 1/4 टीस्पून नमक, ये आता है ओरिजिनल उसमें फ्लेवर। कॉल बटन था, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम,
मां ब्रोस्ट ठाया पियो चिकन ब्रोस्ट ब्रोस्ट ता ठाया जी 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 अच्छा काफी दिए थी आप चो वाला गायब थी आयो मां ता गायब कौन थियो मां ता इते ही आ ताहा गायब थी आयो ता YouTube ते न था दिसो छा अच्छा YouTube ते ना काफी दिए थे न डठो पे हां ता YouTube ते ता आयो ना सा अगर लाइट ना भी आए ता या ता जे केबल जो इशू है लेकिन असा YouTube ते ता कंटिन्यू अचो पिया अच्छा जी जी ये देखें अब इसका मैं आपको लुक दिखाना चाह रहा हूँ ये देखें बिल्कुल जैसे ब्रोस्ट होते हैं जिंगर टाइप के अगर बनाएंगी तो डबल कोटिंग होगी ये देखें बिल्कुल ओरिजिनल वही कलर आ रहा है ठीक है वही शेड है वैसे ही क्रिस्प बना है उन्हीं तरीके से दिसो हिया हे पीस दिसो केडो जबरदस्त है ये दिसो बिल्कुल परफेक्ट जेका ब्रोस्ट आंदा है लेकिन इसको आपने 6 घंटे आपने मैरिनेट करना है वरना क्या होगा अंदर से आपका गोश्त सख्त रहेगा फ्लेवर जो अंदर आना चाहिए वो नहीं आएगा और फिर कच्चा भी रह जाएगा जो लेग पीस हैं विंग्स हैं वो कच्चे रह जाते हैं अच्छा अगर चिकन की जगह आप चिकन के विंग्स करना चाहेंगी ना वो भी इसी तरीके से आप बनाएंगी ठीक है अगर लेग पीस सिर्फ करना चाहती हैं वो भी इसी तरीके से बनाएंगी और अगर आप बोनलेस भी ब्रोस बनाना चाहती हैं बोनलेस बोटियों के तो वो भी इसी तरीके से बनेंगे फ़िश के अगर बनाना चाहती हैं बोनलेस फ़िश है उसके बड़े बड़े फ्ले बहुत बड़े फ्ले ना हो नॉर्मल साइज़ के जैसे होते हैं सेम मैरिनेशन सेम तरीक़ेकार है इसी तरीके से कोटिंग होगी वो चिकन के भी फ्ले बनते हैं फ़िश के भी बड़े ज़बर फिश एंड चिप जैसे कहते हैं वो भी इसी तरह आप बनाएंगे अक्सर आउटलेट्स पर होते हैं इतना महंगा होता है एक फ़िश का जो पीस होता है थोड़े से फ्राइज़ और सॉस के साथ वो 800-700 का देते हैं तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं अब ये कितने सारे ब्रोस आपके कम क्वांटिटी में बन जाते हैं ठीक है बजट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आप लोग की रेसिपीज़ बन जाती हैं बजट के हिसाब से बिल्कुल टाइम के मच्छी लेकिन मच्छी हो ना कंडन वाली ना मच्छी बोनलेस हुजे छा कंदा कंडा कढंदे पोइ ब्रोस खाइण जो मज़ो न ईंदो चिकन बोनलेस करे सघो था इनमें सेम कोटिंग करे ठीक आहे ऐं ब्रोस जी अगरि डबल कोटिंग करणी आहे त एक दफ़ा वरी पानी में जी 3 दफ़ा कंदो ऐं चंगी तरह हथ सां दॿाइणो आहे प्रेस कंदा वेंदो घुमाईंदो वेंदो प्रेस कंदा वेंदो घुमाईंदो वेंदो जेतिरो ई प्रोसेस कंदो हेतिरो ज़िंगर जो लुक ॾींदो आहे हुनमें जेके ज़िंगर जी तारूं तारूं अची थियूं वञनि उहो लुक हथ सां गोल गोल घुमाईंदा वेंदो ऐं अटो जे अंदरि मिक्स कंदा वेंदो तमामु बहितरीन लुक ईंदो आहे ठीकु आहे कोई अंडो विझण जी ज़रूरत न आहे का अहिड़ी शइ विझण जी ज़रूरत न आहे कोई अंडा वग़ैरह डालने की ज़रूरत नहीं बिल्कुलु इहे ओरिजिनल जो रेसिपी उसी तरीक़े से जो रेस्टोरेंट्स में बनती है उस तरीके से हमने बनाई है ठीक है अब इन पीसेस को निकाल के हमने रखना है 3-3, 4-4 मिनट के बाद आपने इसको ठंडा करना है थोड़ा सा उसके बाद आप इसको रीफ्राई करें बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको टाइम बहुत ज़्यादा देना है ठीक है अब इसके जो दूसरे पीसेस हैं वो दोबारा हम फ्राई करना शुरू कर रहे हैं जी सक्खर का कॉल वटू था अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हेलो सलाम हेलो हेलो सलाम वालेकुम अस्सलाम अदी के ने किथा गला पया सखर मा केर गला पया जी जी सखर मा गला था सखरन मा अदी तां जी आवाज ने ले कट जी पई छे जोर लाउडली गला जो जोर सा अदा तां मा ब्रोस ठा रहा है माने ब्रोस ठाया पयो हां हां मस्त लगा दो कुछ प्यार तो नहीं तमाम स्टॉप कर लगे जी को फरमाइश करनी है तां के अदा चिकन बिरयानी मान से करे चिकन वरी बुदाए जो छा छे चिकन बिरयानी और कड़ी कड़ी पकोड़न वाली जी जी अदी कड़ी जो त हियर मौसम सफा कोने गर्मी थांदी आ और कड़ी जी अगर रेसिपी खपे त कुकिंग विद फैसल ता सर्च कंदो सिंध अथा जी यूट्यूब ते उते ताके मिली वेंदी ठीक आ जी जी बिल्कुल उते रिसीव जो बाकी बिरयानी मा ठाई दिंदम जल्द ताके ठीक आ जी जी बिल्कुल मेहरबानी थैंक यू लाफस अब दोबारा मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ ठीक है अब मैं इसको करूँगा तेज़ आंच पे फ्राई पहले मीडियम फ्लेम पे किया था अब इसको हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है इस तरह बिल्कुल जो आपके परफेक्ट ये ब्रोस बन जाएंगे और बस 6 घंटे आपने मैरिनेशन रखनी है उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है
बस इसका कलर आता जाएगा हम इसको निकालते जाएंगे ठीक है। हाँ जो कलर अचे पो माइन के कटा वो बहुत एहतियात से कढ़ाई में ऑयल की क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, एक लीटर कम अज़ कम ऑयल हो। जब ऑयल ठंडा हो जाए यूज़ करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि ऑयल को छानना है, बारीक छन्नी जो होती है ना चाय की उसमें छान के फिर आपने इसको रख देना है। फिर आप इसको सालन में भी यूज़ कर सकती हैं, इसको आप बहुत सारे कामों में यूज़ कर सकते हैं ठीक है। ऑयल आपका ज़ाया नहीं होगा। हाँ इनके मैं कटन दो एकदम छानी में विझण का छान दो, जो एक्स्ट्रा जो ऑयल आए वो सजो निकली वो छन्नी में डालने के बाद इसका एक्सेस ऑयल जो होता है ये इस तरह का ये मिल जाता है स्ट्रेनर ठीक है। ये ट्रे मिलती है छन्नी की तरह, ये होती बेकिंग के लिए फ्राई वगैरह करने के लिए, इस तरह की आप लेके रखें, इतनी महंगी नहीं होती, नॉर्मल मिल जाती है। नीचे एक स्टील की ट्रे रख लें, स्टील का थाल रख दें तो आप वो कर सकते हैं ठीक है। ये परफेक्ट इनका कलर आ रहा है, मैं इसको रीफ्राई करता जा रहा हूँ ठीक है। पहले 4-5 मिनट किया था उसके बाद ताकि अच्छी सी हमारी डबल सी रोस्ट तैयार हो जाए। सॉस मैंने बना दिया है, केचप इसके साथ सर्व होगा और चिली गार्लिक सॉस है, जो चीज़ आप चाहें वो कर सकते हैं। अब हम इसके बाद इसी ऑयल में दोबारा से इन फ्राइज को हम फ्राई करेंगे, लेकिन मैं ऑयल को छान के फ्राई करूँगा ठीक है। हाँ तो 2 मिनट इनके दो करें और इनके लिए कटिए करना। सॉस देखो ही ज़बरदस्त छानदो है, हाफ कप से थोड़ी ज़्यादा, 1 कप से थोड़ी कम या 1 कप जितनी दही लेनी है, दही को फेंटना अच्छी तरह क्रीमी टेक्सचर में। 4 खाने के चम्मच पानी मिला देंगी, उसके बाद आपने लहसुन का पाउडर डालना है 1 चाय का चम्मच, और अगर लहसुन का पाउडर नहीं है तो फिर पेस्ट हो ना लहसुन का वो 1/4 टीस्पून डालेंगी, 1/4 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट भी मिला सकती, थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून वो भी आप कर सकती हैं, ये परेशान ना हो। लेकिन और जो ओरिजिनल रेसिपी है वो गार्लिक के पाउडर से ही आता है फ्लेवर ठीक है। तो ये मिल जाता है आपको शौक है बेकिंग बारबेक्यू और इस तरह की रेसिपीज़ का, तो ये गार्लिक पाउडर और आनियन के पाउडर ये सब सस्ते मिलते हैं, आप लेके रखें या शहर कहीं जाना होता है अगर आपके एरिया में नहीं मिलते आप वहाँ से मंगवा के रखें, आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए किचन में ठीक है। चलो मां बंद कर इनके बस एक मिनट जोड़ यहाँ तो थोड़ी जो कलर सुथो अच्छी वाले और ये कटंदासी पो फ्राइज जो कहें असाजा तो मैं कटी रखा हुआ तो हाँ अना हाँ क्रिस्पी थींदा ठीक है जी। कॉल वठूँ था अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे भाई कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सिंगापुर से बात कर रही हूँ, मेरे ख्याल से ठीक। कैसी हैं आप? ठीक हैं। मेरा नाम बसमा है और मैं मेरे ख्याल से बात कर रही हूँ। जी जी मैंने सुना, कैसी हैं आप? ठीक हैं। मैं आपके गुलाब जामुन बनाने के लिए बात है। क्या कह रही हैं? मैंने आपको गुलाब जामुन बनाने की फरमाइश की थी। हाँ हाँ मेरे पास लिखा हुआ है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक बनाऊंगा गुलाब जामुन, ज़रूर देखिएगा जो मैं रात को बनाएंगे ठीक है जी। थैंक यू। ओके जी थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जो मैं रात को बनाएंगे इंशाल्लाह थर्सडे को गुलाब जामुन। अब देखें ये अच्छी से फ्राई हो गए ठीक है, लेकिन बस यही ख्याल रखना आपने इसको 6 घंटे आपने इसको रखना है ठीक है, 6 कलाक टाइम के रखना दो। अब मैं इस ऑयल को थोड़ा चेंज करूंगा क्योंकि इसमें जो हमने ब्रोस बनाया ना उसकी हल्का हल्का सा पाउडर आ जाता है, तो ये पाउडर हमने क्लियर करना। मैं दूसरी कढ़ाई ले लूँगा तो उसमें हमने कर लेना है फ्राई ठीक है। इसको इसी छन्नी को इस्तेमाल करता हूँ, ये बारीक है, फ्राइज़ यहाँ पे डाल देते हैं। इस ऑयल को छानेंगे, ब्रेक जो टाइम थी एक शॉर्ट ब्रेक थे जिस टाइम इन ऑयल के मैं छाना पे बटूँ था एक शॉर्ट ब्रेक ठीक है। इस ऑयल को मैं छान रहा हूँ बारीक छन्नी से, आपने छानना है उसके बाद ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके हमने क्या करना है कि फ्राइज़ को अगेन रीफ्राई करना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेके ब्रोस्ट आया हो सॉस ऐं केचप सां गॾु मां हिते रखी छॾियां ठीक है। जो ब्रोस्ट बनाए थे सॉस और केचप के साथ मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अब हम बना रहे हैं फ्राइज़। फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर अगेन चेक करेंगे, ये चीज़ ज़रूर आपने करनी है। स्टिक उठा के इस तरह देखना, अभी इसमें टाइम है ठीक है। स्टिक के किनारे में जब बबल्स बनेंगे तब आप नहीं करना है, उसी तरह इसको अभी होने दें, ऑयल अच्छा गर्म हो क्योंकि रीफ्राई होंगे फ्राइज़ और इसको आपने निकाल के फिर सर्व करना है।
बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार ये ब्रोस की रेसिपी है। कल की रेसिपी देखिएगा, आप लोग की फरमाइशों में भी है और सर्दियों के हिसाब से ही है, ठीक है। तो मैं जाके देखूँगा, मुझे ख़ुद भी अभी याद नहीं आ रहा, डायरी में होती हैं सारी चीज़ें लिखी हुई। इंशाल्लाह सारी फरमाइशें आप लोग की पूरी करते जा रहा हूँ। बस है इसी स्टिक हुए या काई भी काठी हुए तो, लेकिन कच्ची स्टिक ना हो, सुकल हो, ठीक है, तो उन भी कर सको था। ओके, अभी फ्राई को खा के हमें इसमें सारे डालने और इसको हमने करना है फ्राई। तीन से चार मिनट ये फ्राई होंगे, तीन मिनट काफ़ी हैं तेज़ आंच पे, ठीक है। तेज़ आंच पे फ्राई करने आपने और ये फ्राइज़ आपने निकाल देने। बेहतरीन रेसिपी, बिल्कुल इजी। और मसाको चिकन पाउडर, अगर ट्राई पे मसाको चिकन पाउडर ज़रूर वो, हर जगह मिले पे 15-20 रुपए जो है मिलन, ठीक है। 15-20 रुपए जो ही साशे मिले तो कोई मांगो ना है, 15-20 रुपए का ये साशे मिलता है, कोई महंगा नहीं है। और फ्राइज़ को मैंने रीफ फ्राइज़ लेके एक दफ़ा ठंडा करके बनाएंगी तो बहुत अच्छे क्रिस्पी से बनेंगे, ठीक है, सॉगी नहीं होंगे। बस ये कि नए आलू इस्तेमाल करें, पानी वाला आलू जो होता है पुराना वो पानी छोड़ता है तो वो ना हो। ये हो गया, इसको भी मैं निकालना शुरू करूँगा, ठीक है। बारिश तमाम बेहतरीन इजी रेसिपी तुम सामू उठाई ताजी फरमाइश हुई, ठीक है। आपकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी है और दोबारा बताऊं कि आप विंग्स के साथ भी बना सकती हैं। चिकन वैसे महंगी भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो चिकन विंग्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, आप चिकन विंग्स को भी बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं इस तरह के कोटिंग करके। अभी बिल्कुल क्रिस्पी वाले फ्राइज़ बन गए हमारे। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? ये हैदराबाद शहर बाजार से बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल, दुआएं आपकी। हाँ ये मैं, हम आपका ना प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और है ना, ये फरमाइश है मेरी। बिल्कुल कीजिए। मूली का हलवा बनाना सिखाएं। मूली का हलवा? हाँ चलें ठीक है, मैं कल आपको बनाना सिखा दूंगा। कल वैसे हलवा बनाना था तो मूली का हलवा आप कर देख लीजिएगा, ठीक है। चलें, आपकी बहुत आपकी मेहरबानी होगी। और आप बहुत अच्छा सिखाते हैं और बहुत अच्छा बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये बड़े ज़बरदस्त से क्रिस्पी से फ्राइज़ बने। चाट मसाला डालना चाहें तो आप इस पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चाट मसालो अगर विझण चाहो तो तान में विझी सको, तो माइन में न विधो। ये बेहतरीन असांजो प्लेटर तैयार थी वो, ठीक है। बेहतरीन हमारा प्लेटर तैयार हो गया और ये हैं 2, 2, 4, 8 पीस हैं, ठीक है। तो आप इसमें बढ़ा सकती हैं, एक चिकन के 8 पीस करके ब्रोस नॉर्मल बनता है। 12 पीस करेंगी तब भी यही मैरिनेशन होगी। सिर्फ आपने क्या करना है, 12 पीस के लिए आपने इसमें जो पाउडर जो हमने मैदा डाला उसका 1/2 कप आपने बढ़ा देना है, बाकी अदरवाइज़ सारी यही कोटिंग होगी, ठीक है। इसी तरह आपने ब्रोस बनाने, जिंगर का मैंने बता दिया था कि वो कोटिंग आपने डबल करनी है। और मसाको चिकन पाउडर मैं इसके साथ रख रहा हूँ, और मसाको चिकन पाउडर ना मिले तो आप नॉर्मल चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं। इंशाल्लाह कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा सिन टीवी HD कुकिंग शो, या कुकिंग विद फैसल भी आप सर्च करेंगी यूट्यूब पर, आपको तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी मूली का हलवा और उसके साथ एक अच्छी सी विंटर की रेसिपी बनाएंगे। इंशाल्लाह सुबह 9 बजे रिपीट हलंदो सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब से सब्सक्राइब कर दो, पंजो कोर्स सारो ख्याल रखो। का भी शे पुछनी जे 03-14-26-75-311 मुझे व्हाट्सअप नंबर है, उते ताके मैसेज या वॉइस मैसेज करे ता गलाई सगो ता। आई पंजो कोर्स सारो ख्याल रखो, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात थी, दुआ में याद करदो। अल्लाह हाफिज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।